ये है बनाना जो मैं खाती हूँ अपना योगा कंप्लीट करने के बाद। तो मैं इसे पहले वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मैंने कल बाय किया था, तो कोई भी फ्रूट वगैरह वॉश करके ही खाना चाहिए, चाहे वायरस हो चाहे ना हो। तो आप देख लीजिए मेरे पीछे वाली गली जो काफ़ी पतली है, तो छोटा सा ऐसे ऐसे व्यू मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं इसे रख दूँगी और करूँगी योगा। तो साथ मेरी सिस्टर है, आप इसका योगा देख लीजिए, गलत कर रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। तो अब हम करेंगे थोड़ा योगा, और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मुझे याद नहीं आ रहा, और नाम प्रणाम कुछ इस टाइप का कहते हैं। और अब मैंने ले लिया है रस्सा। ये रस्सा ना बहुत छोटा है, और इस रस्से के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये रस्सा मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए थे जब मैं छोटी थी, और ये रस्सा अभी उतना ही है, बट मैं बड़ी हो गई, मतलब ये रस्सा मेरे को छोटा होता है, बट मैं इससे आज भी कूदती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये आ गई मेरी मम्मी, और मम्मी मेरे को इस वक्त डांट रही थी कि तू बनाना नहीं खाएगी, क्योंकि फ्रेंड मुझे कल रात हो गया था फीवर। मम्मी कह रही थी ठंडा मौसम में बनाना खाती है और देखो फीवर हो जाता है, तो आते को बनाना नहीं खाना। मम्मी का आप वॉइस तो नहीं आ रही होगी, रिएक्ट देख के ही समझ जाइए, गुस्से में थी। तो इस वक्त मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बुलाया कि आजा साथ में रस्सा कूदते हैं, बट मेरी छोटी सिस्टर सृष्टि नाम है इसका, इसको कूदना नहीं आता है। तो मैं अकेले ही ट्राई कर रही थी, ट्राई की गलती मुझे आता है, बट आदत छूट गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कूदा नहीं है। और अब इसने ले लिया है स्टॉल, और ये स्टॉल है मेरा, और इसको लग रही थी ठंड, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, मैं लमसम 5:30 बजे के करीब उठी थी, और बज रहा है अभी 6 बज रहे होंगे। तो अब मम्मी कहती हैं कि मेरे को रस्सा कूदना है, उतने में बगल वाली अम्मा देख रही होती हैं, तो मम्मी साइड में आ जाती हैं, तो मम्मी यहाँ पे कूदेगी। मम्मी को भी रस्सा कूदना नहीं आता है, बट वो मेरे साथ ऐसे ही ट्राई कर रही थी। तो ये देखो, ओ तेरी क्या बात, इसने में सब लोग हंसने लग गए, तो मम्मी ने मुझे रस्सा वापस कर दिया। अब मैं कूद रही थी, और मुझे मम्मी कंटिन्यू डांटे जा रही थी, तू बनाना नहीं खाएगी, और मॉर्निंग में नहीं नहाना है। बट मैं ठहरी लतखोर इंसान। अब लतखोर का मतलब यूपी वाले ही समझ पाएंगे, जो समझ गया वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के 100% बताना, ठीक है। तो और इस रस्से के पीछे भी ना काफ़ी बड़ी स्टोरी है, ये कभी मैं आपको फुर्सत में बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को मज़े में रस्से से खींच लिया, और अब मेरी मम्मी मेरे को करवाएंगी योगा। तो देख लीजिए, मेरी मम्मी सुबह पार्क जाती है ना, तो ये करती हैंगी कभी कभार, तो आज ये मेरे को योगा करना सिखा रही थी। बट ये जो कर ले रही थी ना, मेरे से नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं फोल्ड नहीं कर पा रही थी अपने आप को, बट हाँ मैं मम्मी के साथ ट्राई कर रही थी। अब मम्मी मेरे को यहाँ पे कहती हैं कि हाँ ऐसे कर, इससे कमर की नसों पे जोर पड़ता है और फिट रहते हैं। तो ये देखो मेरी मम्मी का योगा स्टार्ट है। अब मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट हाँ मज़ा आ रहा था सुबह सुबह करने में, तो इसलिए कर लिया। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर हम लोग को देख रही है, क्योंकि इसको पता है वीडियो स्टार्ट है, और मेरी मम्मी को नहीं पता है कि वीडियो स्टार्ट है ही। और यहाँ पे हम देखो, मैं मार रही हूँ पुशअप, और आज मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं इस मोमेंट को कैप्चर करके रखना चाहती थी। पता नहीं अब कब ऐसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लाइक मम्मा के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है, और शादी के कुछ मंथ ही बाकी हैं, तो इसलिए इस मोमेंट को मैं कैप्चर करके रखना चाहती थी, तो मैंने कर लिया है। पता नहीं आपके साथ शेयर करूँगी नहीं करूँगी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो अब हम योगा कर चुके हैं, नीचे जाएंगे, बनाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। और मैं छत से आने के बाद नीचे सो गई, और मेरी मम्मी कह के गई है कि ये लड़की बिल्कुल लतखोर है, बिल्कुल नहीं मानने वाली है। तो छत से आने के बाद मैं सो गई थी, और मैं अभी उठी हूँ, और टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और सो इसलिए गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी ना तबीयत खराब चल रही है। अब उसका भी एक छोटा सा प्रूफ दे रही थी, क्योंकि यूट्यूब पे ना काफी बार प्रूफ देना ही पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो, ये है एक पैकेट, थैला, पन्नी, आप जो भी कह लो, तो इसमें लिखा हुआ है सहारा हेल्थ सेंटर। तो इसमें मेरी मेडिसिन हैगी, तो देख सकते हो ये एक सिरप है, उसके अंदर ये ऐसे में कुछ पैकेट्स में मेरी दवाइयाँ हैं, ऐसे पैकेट्स में, और इसमें एक स्लिप भी है जी, एक ही मेडिसिन जो मुझे अभी लेकर आनी है। आपको समझ में तो आएगा नहीं, दिख रहा है फोकस, डॉक्टर की हैंडराइटिंग है। तो ये मेडिसिन मुझे लेकर भी आनी है,
तो अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, और आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना सोने से अच्छा है कि मैं आज अपना एक दिन का एक छोटा सा ब्लॉग ही क्रिएट कर लूँ, तो इसलिए आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। पता नहीं ये आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बार ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग शूट तो करती हूँ बट ना वो अपलोड नहीं करती, मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती है, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि आप लोग क्या सोचोगे क्या है क्या है। बट आज मे बी आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ, मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ है कि सभी प्रकार के डिलीवरियाँ स्टार्ट हो गई हैं, होम डिलीवरी वगैरह। अगर आप कुछ भी चीज़ अमेजोन पर्पल फ्लिपकार्ट से बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, अब डिलीवरी हो रही है। और मुझे मेरा पार्सल कल रिसीव हुआ है, तो आप देख सकते हो स्टिकर लगा हुआ है इस पर COVID-19 का, और इसके अंदर आया है मेरा ऑयल एंड शैम्पू। तो इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि ये ऑयल ना और ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, मेरे को तो इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा फेस हाय होगा कैसी हो गई हूँ मैं, और आपने योगा वाली वीडियो में भी देखा होगा मैं थोड़ी पतली भी हो गई हूँ। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपके सामने नहा धो के एकदम फ्रेश होकर आऊँगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट क्लिप में, और जब तक मैं नहा कर आती हूँ, ठीक है। यहाँ मेरी छोटी सिस्टर लगा रही है पोछा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसी की ड्यूटी लगी आज पोछा लगाने की। तो सफाई हो चुकी है घर की, मैं भी नहा चुकी हूँ, मेरी सिस्टर भी नहा चुकी है, और ये देख रही है मूवी। और ये है एक जो साथ में है वो मेरी भाभी की लड़की, रेंट पे रहती हैं, उनकी बेबी है वो। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना लेने के लिए, मतलब लंच लेने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है शायद 12:30 है, 1:30 है। यहाँ से निकाली मैंने प्लेट और अब मैं खाऊंगी खाना, मतलब अपना लंच करूंगी। लंच में मैंने लिया है खिचड़ी, ली है सीताफल की सब्जी है, रोटी है। तो यहाँ पे पहले मैं फ़ैन ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है क्योंकि। तो ये है खिचड़ी और दूध, सीताफल की सब्जी, रोटी, पानी और अचार। और खाना खाने के बाद मैंने खाई मेडिसिन, जो काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी बट खानी तो पड़ेगी ठीक होना है। तो फेस देख सकते हो एकदम ही डल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेडी हो लिया जाए, अच्छा अच्छा फील होता है जब हम रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया है बायोटिक का डे मॉइस्चराइज़र क्रीम, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल भी है। देन उसके बाद मैंने लैक्मे की 9 to 5 क्रीम यूज़ की है, ये सीसी क्रीम है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक नेचुरल सा कवरेज देती है, इसलिए मैं डेली यूज़ के लिए इसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फाउंडेशन वगैरह इग्नोर करती हूँ क्योंकि मुझे डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, एक हल्का सा टिंट आ जाता है जैसे कि मेरी नेचुरल स्किन हो, इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। आज मेरा वैसे भी थोड़ा रेडी वेडी होने का मन कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, और जब हम रेडी होते हैं ना थोड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए मैंने आज क्रीम लगाई है। अदरवाइज़ मैं मॉइस्चराइज़र लगाकर छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैंने लगाया पॉन्स का पाउडर, क्योंकि मुझे टी जोन एरिया पे स्वेट होता है इसीलिए। और देख सकते हो मैंने कोई भी ब्रश, ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी यूज़ नहीं किया, अपने हाथों से ही अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने लगाया है NYBA का लिप क्रियॉन, और ये लिप क्रियॉन मेरा इतना फेवरेट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक ये है शेड नंबर 4 और एक शेड नंबर है 21, ये दोनों शेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एकदम नेचुरल और लाइक न्यू टाइप में है, जो डेली यूज़ के लिए मेरे जैसे गर्ल यूज़ करे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। और ये दोनों लिप क्रियॉन मैं प्रेफर भी करूँगी आपको लगाने के लिए। और उसके बाद मैंने लगाई है ब्लैक कलर की एक छोटी सी बिंदी, जो मैं लेकर आई थी मथुरा वृंदावन से। तो बस मैं इतना ही रेडी होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। आंखें मेरी थोड़ी सूजी सूजी हैं, इसलिए मैं इस पर लाइनर वगैरह इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि जब मसल देती हूँ ना आंखें तो फैल जाता है। तो कुछ इस टाइप का लुक आया है नेचुरल सा बस। तो ये है मेरा पूरा, सॉरी मैंने प्रेस नहीं किया उसके लिए। सो फ्रेंड्स हो चुकी हूँ मैं रेडी, और मैं लगा रही हूँ काई अपनी मम्मा के ब्लाउज़ में, और मेरी मम्मा को गोल गले का ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इस बार मैंने गोल गले का ही ब्लाउज़ बनाया है, बट एक सिंपल सा डिज़ाइन डाल के। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग और
मेरे इस गले का डिज़ाइन पसंद आए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, देख रहे हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो यह है फ्रंट वाला हिस्सा जिसे हम योग पट्टी ब्लाउज़ कहते हैं, और पीछे से मैंने यह वाला डिज़ाइन बनाया। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।